हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपके पेपर में गद्यांश आता है, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर आएगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, सेम ऐसा ही आएगा। तो ये हमारा गद्यांश है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो ये पद्यांश आता है, ठीक है, यानी कि 6+6 यानी कि 12 मार्क्स, ठीक है, आपका फिक्स हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर ऐसे आप हल करके आओगे ना, एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हम लोग सबसे पहले इसी गद्यांश को देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो आपके दो गद्यांश रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपके दो गद्यांश रहेंगे, कितने, ठीक है, कितने गद्यांश, दो गद्यांश। अब दो में से किसी एक का आंसर देना है, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सही तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या जब अच्छे से लिखोगे सही तरीके से, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखो ये हमारा गद्यांश है यानी कि का वाला, देखो लिखा हुआ उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी बाहर कर जाओ, ठीक है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसी ही मित्र की खोज करना चाहिए या रखना चाहिए जिसमें हमें अधिक आत्मबल मिले, ठीक है। हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि अगर आप लोग, ठीक है, आप लोग डीमोटिवेट हो तो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करे। मान लो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते हो तो आपको उस कार्य को करने के लिए आपको एक अलग से ऊर्जा दे, ठीक है, ऐसा मित्र बनाना चाहिए। आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, ठीक है, जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हो, मतलब उनका शुद्ध हृदय हो, ऐसा नहीं कि आपके सामने आपका और पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा मित्र ना हो, ठीक है, ये समझे रहना। और मृदुल और प्रसाथी हो, मतलब मीठी बोली हो, और शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो जिससे हम अपने अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें। हमें इतना बिलीव हो कि हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दें, कोई भी काम हो तो हम उसके भरोसे छोड़ दें, वो अपना, मतलब ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक है। और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी का धोखा ना होगा, उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा, ना होगा, ठीक है। बच्चों अब आप लोग देखो, आपसे इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, संदर्भ लिखना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप ये ऐसे जो लिखा है ना, ये सब मत लिखना, ठीक है, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, आपको बिल्कुल साफ रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां चेक होगा, जब कोई आएगा एग्जामिनर चेक करने तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब वहां आते रहते हैं चेक करने वाले, ठीक है। फिर आपका सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या, और थर्ड है हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो देखो बच्चों, गद्यांश लिखने के लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए मैं आपको दोनों बताता हूं अभी आपको ट्रिक से। देखो इसमें आपको मित्र शब्द बहुत बार मिला है ना, मित्र मित्र बहुत मित्र मिले हैं, तो मित्र शब्द अगर बार बार मिले तो वो मित्रता पाठ से लिया गया है। अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो रेखांकित अंश को 2 से 3 बार पढ़ो तो फिर आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो यहां तक रेखांकित अंश है, लिखा हुआ उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से भी बाहर कर जाओ, यह हमारा पूरा रेखांकित अंश है। और इस रेखांकित अंश की व्याख्या अगर सही कर दोगे ना तो आपका समझ लो पूरा आपका क्लियर है, ठीक है। आप अगर संदर्भ सही लिखते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या सही करते हो ना, 6 में 6 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। अब देखो मेन पॉइंट है कि हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे। ये हमारा देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ना, ठीक है, कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो बच्चों, आप लोग पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेना, एक तरफ अंडरलाइन करना स्किल्स की सहायता से, दोनों तरफ मत करना वरना एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पेज भर रहा है, ठीक है। ज्यादा पेज भरने से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वालिटी देना है, क्वांटिटी मायने नहीं करता, क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा आपने लिखा है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, लिखने की शैली कैसी है, आपने प्रश्नोत्तर संख्या कितने अच्छे से डाला है, ये सब मायने रखता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो सबसे पहले आप ऊपर क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, क्या डाल देना, यहां सबसे ऊपर, ठीक है, आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 3,
देखो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे ना तो फिर हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, अब आपके पास समय नहीं है, दिन रात पढ़ाई करो। ठीक है, इसको आप लोग स्किल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब हमारा ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। ठीक है, अब देखो हमें आपको बता दूं कि सबसे पहले मित्रता पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो अब संदर्भ लिखना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आप लोग सबसे पहले ये लिख देना, जैसे देखो आगे के 2-3 लाइन उच्च और महान, ठीक है, फिर डॉट 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 करके नीचे के, जैसे धोखा ना होगा। ठीक है, ये जरूर लिखना कि एग्जामिनर को पता चले कि इसी को हल किया है बच्चे ने, तो उच्च और महान फिर डॉट 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 धोखा ना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। संदर्भ ठीक है, और हम इसको कर लेंगे अंडरलाइन। अब संदर्भ में क्या लिखना है आप लोगों को पता होगा, प्रस्तुत गद्यावतरण ये इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सबसे मेन पॉइंट अब आपका आ गया लेखक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको हाईलाइट कर देना, हाईलाइट करने का मतलब है कि आप लोग विलेख से लिख देना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक अब आता है हिंदी। हिंदी को आप लोग ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ना उसको ब्लैक से ही लिखना, हिंदी के गद्य खंड को भी ब्रेकट कर देना, गद्य खंड में संकलित मित्रता। ठीक है, इसको आप लोग कर देना मित्रता, ब्लेक्स लिखना है, पाठ का नाम है। ठीक है, मित्रता। अब देखो ज्यादा हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया लेकिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो हमने ये आप लोगों के लिए एग्जांपल के रूप में बताया, अब आप लोग एक लाइन छोड़कर फिर रेखांकित अंश की व्याख्या डालना। ठीक है, तो ये सही तरीका है संदर्भ लिखने का कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ये हमने ब्लेक से लिखा है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना सा करना है। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा हो गया, अब आपको सेकंड हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए मैंने क्या कहा है, 2-3 बार पढ़ लो, जो कि आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या, उच्च और महान कार्यों को इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी बाहर कर जाओ। तो अब आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं, देखो ये आगे का जरूर डालना, जैसे अगर आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, पूरा लिख सकते हो या फिर इतना ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। जो सच्चा मित्र होता है वो वही होता है, अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपने शक्ति और सामर्थ्य से भी ज्यादा आपकी सहायता कर सके। ठीक है, आपके साथ रहे। ठीक है, मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त मतलब होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, उसका जो उत्साह है वो कभी कम ना हो, जो करना चाहता है वो कर सके, आप उसको इतना साहस दो। ठीक है, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वह अपने आप को अकेला ना समझे, ऐसा मित्र आपको मिले ऐसा बनाना चाहिए, वरन उसका मनोबल बना रहे, इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सफलता से कर सकता है, सरलता से सफलता से कर सकता है। ठीक है, अगर इस तरह मित्र हो ना तो फिर आप अपने कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है,
अगला देखो यहां अब आपसे पूछ रहा है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से भी अधिक काम कर सके। ठीक है, ऐसी मित्र का हमें खोज करना चाहिए, ऐसा मित्र हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे गद्यांश हल करोगे ना तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, आपका दो 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 यानी कि 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये है सही तरीका, लिखना भी ऐसे है, देखो हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, देखो काट पीट नहीं है इसमें, कहीं भी काट पीट है नहीं है ना। तो फिर आप धीरे धीरे लिखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत समय होता है। ठीक है, अगर आपको आता है ना तो आप 2 घंटे में पेपर कर दोगे, अगर नहीं आता है तो फिर आपको समय लगेगा। तो ऐसा करो कि आप पढ़ के जाओ और आपको आता हो। ठीक है, तो ये संदर्भ लिखने का सही तरीका है। अब आपको और आपका गद्यांश, ठीक है, अब मैं आपको पद्यांश बताता हूं कैसे लिखना है। अब बच्चों आता है हमारा पद्यांश। ठीक है, पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है, 2 पद्यांश रहेगा, किसी एक को सॉल्व करना है। देखो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, काव्य संदर्भ भी थोड़ा सा लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, जितना मेहनत कर लोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा, आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करते हो। देखो यहां हमारा 6 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, सबसे मेन है इसका व्याख्या, सबसे मेन होता है बच्चों। तो देखो यहां आप लोगों का पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग जरूर याद करना इसे। ठीक है, आपका का वाला है, मानुष हो तो वही रसखाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन है। ठीक है, जो पशु हो तो कहां बस मेरो एंड चौरो नित नंद की धेनु मझाई एंड पाहन हो तो वही गिर को जो धर हो कर छत्र आपको परंदो धारण जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंगली एंड कूल कदम की डारन है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो इसको कर लेना, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ठीक है, एंड ध्रुववासी जो हिम में तुम एंड जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो जो आपको आता है उसको करना। वैसे मैं आपको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूं आपको पद्यांश कैसे हल करना है। सबसे पहले हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 4 है तो आप लोग ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना। अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तो आपका 1 नंबर कटने का चांस हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को सरलता मिलती है जब प्रश्नोत्तर संख्या आप सही से डाल देते हो। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। अब इसको आप लोग स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना। ठीक है, वैसे तो हमारा हाथी स्केल के बराबर है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ले गया है इसके रचयिता कौन है, इसके होता है रचयिता। ठीक है, तो ये हमारा रसखान, इसमें कई बार आया रसखान है। ठीक है, तो ये रसखान है, तो ये हमारा इसके जो रचयिता है वो हमारा कौन है, रसखान है। और ये समैया जो आप लोगों का समैया शीर्षक है ना, समैया उसी से लिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग लिखना कैसे है ये तो आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन आपको गद्यांश में बताया, पद्यांश में भी समझ लो। प्रस्तुत पद जो है, प्रस्तुत पद जो है ये हमारा बच्चों रसखान। ठीक है, इसको ब्लैक से लिखना रसखान को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेखक है। ठीक है, रसखान। ठीक है, रसखान है ना, कवि द्वारा रचित, कवि द्वारा हमारा, ये किसके द्वारा, रसखान कवि द्वारा रचित है, रसखान कवि द्वारा रचित। और ये हमारा जो है ना सुजान, सुजान रसखान। ठीक है, एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान। ध्यान देना एक एक पॉइंट को, क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान देते हो ना तब आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये हमारा, से हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये हमारा कौन सा, हिंदी है ना, तो हिंदी आप ब्लैक से लिखना। देखो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, देखो केवल आपको पाठ का नाम और रचयिता का नाम बदलना है, पद में और गद्य में लेखक का नाम, पाठ का नाम बदल दोगे, संदर्भ यही रहेगा हर एक के लिए। ठीक है, कि ये हमारा काव्य खंड है या फिर पद्य खंड कह सकते हो, काव्य खंड। काव्य खंड में संकलित, देखो कम से कम बोर्ड एग्जाम की 3 लाइन में आप लोगों का संदर्भ आएगा। तो अगर आपको संदर्भ ना पता हो तो 3 लाइन आप लोग छोड़ देना, बाद में आप याद करके लिख देना। ठीक है, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, समैया शीर्षक से लिया गया है या फिर शीर्षक से अवतरित है।
प्रसंग क्या लिखना है इसमें कि इस पद में जो रसखान ने पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म मतलब दोबारा अगर जन्म लो तो फिर मैं विश्वास व्यक्त किया है और अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने का एवं उसके समीप ही रहने का कामना किया है। मतलब अगर हमारा जन्म हो तो ब्रज भूमि जो श्री कृष्ण जी का है वहां हो, ऐसा रसखान जी की इच्छा है। तो इसकी व्याख्या कैसे करोगे? देखो कहीं कहीं रेखांकित अंश कभी कभी आता है, रेखांकित अंश छोटा सा, लेकिन कभी कभी पूरे का करना पड़ता है, इसमें हमें पूरे का करना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो, आप लोगों का सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में, और जो पशु हो तो कहां बस मेरो, और चरो नित नंद की धेनु मझारिन, एंड पाहन हो तो वही गिर को जो धारहो कर छत्र एंड पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कलिंगनी कुल कदम्ब की पारण धारण, ठीक है। अब आप लोग इसको कैसे हल करोगे मैं आपको बताता हूं। देखो अब देखो यहां आप लोग प्रसंग हो गया, व्याख्या समझो, लिखा हुआ है कि रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य का रूप प्राप्त करूं, अगर जब हमारी मृत्यु हो जाए और अगले जन्म में अगर मैं क्या प्राप्त करूं, एक मनुष्य का जन्म लूं, एक मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वारन के मध्य मेरा कोई जैसे निवास करूं। अगर देखो देखो तब ये क्या कहते हैं कि ब्रज में गोकुल के ग्वारन के मध्य मेरा निवास हो, मतलब अगर मैं एक मनुष्य बनूं तो मेरी कामना है कि मैं उस गोकुल, जो गोकुल में ग्वारन है, गायियां हैं, ठीक है, गाय धेनु है, उनके बीच में मेरी रहने की इच्छा है। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, अगर मैं एक पशु बनूं, पशु का मतलब है कि मान लो गाय या फिर कोई भी पशु बनूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी की गाय के बीच विचरण करता रहूं। अगर मैं एक पशु का रूप धारण करूं तो मेरी ये इच्छा है कि मैं जो नंद का ग्वारन है, गायियां हैं, उनके बीच में मैं मतलब अपना उसी के बीच में मेरा जन्म हो, ठीक है, उसी में मैं अपना विचरण करूं, कुछ भी करूं, ठीक है, अगर वो सारी गायियां चरती हैं तो मैं भी उसी में काम करूं, ठीक है, ये कहते हैं। और यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बना तो मेरी इच्छा, अगर ये पत्थर भी बनते हैं तो इनकी भैया इच्छा क्या है, ध्यान से समझो, अगर मैं पत्थर बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी जो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे अपने आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, अपने जलमग्न होने के गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए उंगली पर छत के समान उठा लिया था। अगर ये एक पत्थर बने तो पत्थर बनेंगे तो भी इनकी इच्छा है कि जो गोवर्धन पत्थर, जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसका पत्थर बने, जो इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छत के रूप में उसको उठा लिया था, छत के समान। अभी छोटा सा अभी और है इसकी व्याख्या, ठीक है। अब देखो छोटा सा, यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना हो, अगर ये पक्षी बनते हैं तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। अगर ये पक्षी बनते हैं तो पक्षी बनेंगे तो भी इनकी इच्छा है कि मैं क्या करूं, यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं, ठीक है, समझ में आ रहा ना सारी चीजें। अब भैया थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य लिख देना, थोड़ा सा, क्योंकि इतना जरूरी है तब एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा टॉपर है। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस इसमें शांत है, छंद समैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो हर एक काव्य सौंदर्य में काम आता है, ठीक है। बस इतना सा अगर आप गद्यांश पद्यांश में करके आते हो ना, एग्जामिनर आपका ये आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। ये सही तरीका, ये हमारा पद्यांश और ये हमारा गद्यांश है जिसको आपको ऐसे हल करना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग ऐसे गद्यांश पद्यांश हल करके आते हो, मैं गारंटी लेता हूं एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप 95% 97% हिंदी में करके आओगे और लाओगे नंबर। अगर ऐसा ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था कि 16 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है, ऐसे गद्यांश पद्यांश हल करके आना, आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।